कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 107 पहुंच गया है। राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट शनिवार को कोटा अस्पताल पहुंचे। कोटा में बच्चों की मौत पर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी। सचिन पायलट ने कहा कि पहले क्या हुआ इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा को जनता ने हरा दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है। इतने सारे बच्चे मरे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा क्या? इतनी मौतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। ये कहना मरे उनको सरकार की तरफ से सहायता कुछ दी जाएगी क्या? गरीब तबके के लोग हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए उन लोगों की। जाँच कौन कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर इन शिशुओं की मौत हो रही है और लगातार हो रही है, तो ये कहना काफी नहीं है कि पहले इतनी हुई थी आज इतनी हो रही हैं। क्योंकि जो कमियां थी, जो मैं आज कोटा में आया हूं और कोटा जेके लोन अस्पताल में लगातार जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं और मैं सुझाव दे रहा हूं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना नेता सत्तार ने 30 दिसंबर को ही महाविकास आघाड़ी सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली थी। माना जा रहा है कि सत्तार कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने के चलते नाराज थे और इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि उसे नहीं पता कि सत्तार ने किसे इस्तीफा दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सत्तार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। साथ ही राउत ने यह भी कहा कि कोई भी विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो इस्तीफा हमारे पास नहीं आता, वो मुख्यमंत्री पास के पास चला जाता है या सीधे राजभवन में चला जाता है। तो अब्दुल सत्तार जी ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, इस बारे में जो सच है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बता सकते हैं या राजभवन के सूत्र बता सकते हैं। मैंने भी ये खबरें देखी और सुनी है, उनका मैं वक्तव्य भी सुना है। अगर वो नाराज है तो नाराज क्यों है मुझे पता नहीं, मंत्री बनाया है, लेकिन मैंने पढ़ा कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया और कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, सरकार में शिवसेना के कोटे में ज़्यादा विभाग नहीं है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अब्दुल सत्तार जी का पूरा सम्मान रखा मेरे हिसाब से और उनको मंत्री बनाया है। अब अगर उनका एक कहना है कि इस्तीफा देने के पीछे कारण जो बताते हैं, तो इस बारे में मुख्यमंत्री ही बोल सकते हैं।